और फ्यू का जानकारी भी हम लोग भैया से भी लेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। मैं आकाश कुमार, स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी पहली बार विजिट कर रहे थे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही हमें इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं ताकि अपडेट आप लोगों को वहाँ भी मिलता रहे, थोड़े हमारे भी फॉलोअर्स बढ़े, समझ रहे हो। रामगढ़ साइड की जो पब्लिक है उन लोगों को मैंने नोटिस किया, वो लोग कमेंट करते हैं हमारा खोटा बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बट वीडियो में हम खोटा बोल नहीं पाते। बहुत दिनों बाद हम डेली ब्लॉग स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे तो कर नहीं पा रहे थे, इसलिए सोचे कि चलो आज के बार उठाएं। और सुबह सुबह उठे और आ गए इधर ब्लॉग बनाने। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं, अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया, तो पहले ब्रश करते हैं उसके बाद। मुझे ये कॉलगेट देख के बहुत पुरानी बात याद आ गई। बहुत पहले एक हसीना ने हमसे पूछा था कि तुम कॉलगेट कौन सा यूज करता है, तुम्हारा दांत बहुत चमकता है। साला समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रही थी। अरे सैया दीदी खाली दवा बांटती नहीं है, दवा खिलाती भी है, बिना खिलाए नहीं छोड़ती है, पानी साथ में लेके चलती है। दवा के साथ दवा लीजिए, पानी भी लीजिए, पहले खाइए तबे हम मिलेंगे ना चाची। हमर ना मार्क लगा दिली। अरे हम बाल्टी जग को बाहर ले आए कि खुले में नहाने का अपना एक्सपीरियंस होता है, हम यहाँ खुले में आज स्नान करेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वेल, तभी दोपहर के 1 बज चुके हैं। हम थोड़ा खाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, नाने के सोचे कि चलो थोड़ा एक दो काम है तो वो भी निपटा लेते हैं विष्णुगढ़ में जाके। अभी टाइम काफ़ी हो रहा है तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं उधर ही। हाँ, तो अभी 4 बजने वाले हैं और हमारा काम अभी तक नहीं हुआ, कि हमारा चिकी दोस्त उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, उसके पास काम था, बट कोई नहीं, हमें रिशु मिल गया इधर, इसको इसका दुकान से उठा के लाएँ। अभी जाते हैं हम लोग जिम, जिम में पता करेंगे कि जिम रिशु को जिम करना है, जब जिम जाते हैं थोड़ा बॉडी वॉडी बनाएंगे रिशु का। अट्टे आवाज़ कर दी। हेलो, एक चीज़ बताना भूल गया था, हमारे कमलेश भैया को ऑफिस कोई भी इनकम टैक्स सॉल्यूशन काम हो तो आप यहाँ पर आइएगा, हमारे भैया के पास हमारा नाम लीजिएगा, सर्विस अच्छा मिलेगा। तो हम लोग आए अभी आयरन जिम में, रिशु को जिम ज्वाइन करना है, ऐसा बॉडी बनाना है रिशु को। तो अंदर जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं अंदर, आप हमारे साथ ना। तो फाइनली हम आ चुके हैं आयरन जिम में और पीछे लोगों देखिए हनुमान जी का मस्त। तो चलिए अंदर चलते हैं और फी वगैरह भी इंक्वायरी करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को जिम का एक लुक दिखा, पहले भी जिम थे बट इतना मस्त तो नहीं था, सब कुछ सारे इक्विपमेंट यहाँ पे देखिए अवेलेबल है। जिम का लुक देख सकते हैं एक बार चारों ओर, सारे इक्विपमेंट मतलब कितना होता है जिम में, मोटा मोटी शायद ही कोई एक ऐसा पार्ट्स होगा जो नहीं होगा यहाँ, बाकी सारे इक्विपमेंट है। देखिए वेट उठाने वाला सारे वेट में काफ़ी ऑप्शन है, अगर ज़्यादा लोग भी है तो दिक्कत नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, भाई हमको तो सब कुछ है ऑलरेडी, मेजर भी बड़े बड़े मैट उठ यहाँ लगा हुआ, मगर लेट के करना जो एक्सरसाइज वो भी कर सकते हैं। हाँ, तो हमने भैया से बात कर लिया है जिम के बारे में, तो एडमिशन चल, अगर आप जिम आना चाहते हैं तो एडमिशन में पहले आपको फर्स्ट मंथ आपको 1000 देना पड़ेगा, जिसमें 1 मंथ का फी इंक्लूड रहेगा। तो फर्स्ट मंथ में आपको 1000 देना है, एक महीना आप जिम कीजिए, उसके बाद दूसरे मंथ से आपको 500 रुपया पर मंथ देना पड़ेगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक साइकिल अगर आप चलाएंगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा, 200 ट्रेडमिल आप लोग चलाएंगे तो उसमें 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। आप लोगों को जिम ज्वाइन करना होगा, विजिट कर सकते हैं, 5 मिनट में 1 मिनट ट्राई से देखना हो गया है। तो भी जिम करेगा और जिम करके बताएगा, चल कोई भी मारी। आप लोगों को दिखा दें, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो आकर ज्वाइन कर सकते हैं, पर हम लोग नहीं, रिशु कुछ दिन में ज्वाइन करेगा, हम तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम घर में ही रहते हैं, तो आना जाना मेरे लिए थोड़ा दिक्कत होगा, बट रिशु ज्वाइन करेगा। फीस मैंने आप लोगों को बता दिया था, फर्स्ट मंथ में आपको 1000 लगेगा, सेकेंड मंथ से 500 पर मंथ लगेगा। तो चलिए चलते हैं आगे हम लोग उधर, उसके बाद फिर उधर बात करते हैं ना। तो अभी हम बीच भंडार थे क्योंकि थोड़ा सा खा लेना था, अभी हम घर जा रहे हैं बीच में से,
और दिन भर ऋषि के दुकान में थे, दिन भर नहीं थे मतलब शाम को सेकेंड हाफ ऋषि के दुकान पर ही थे, उधर ही टाइम पास हो गया। तो फाइनली तो शाम के साथ बच्चों वगैरह भी हम घर आ गए और दिन भर जैसे तैसे करके कट गया, क्योंकि जो काम से हम मेन काम से गए थे वो तो हुआ नहीं, बट जिम हम गए थे, जिम का रेट हमने पता किया। तो अगर आप लोग जिम जाना चाहते होंगे तो जा सकते हैं, कुछ दिनों बाद शायद हम भी जाएँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है छोर, जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है।